वो है ये फोम वॉश गन, कार शैम्पू, फिंगर गार्ड प्रोटेक्शन, ये आई पॉप का, ये पेट्रोल का लोगो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये बिल्कुल मत बाय करना। गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 10 दिसंबर, 14th को जाने वाला हूँ मैं उज्जैन, तो इसलिए महाकाल का टी शर्ट पहना है एक्साइटमेंट में। तो आज के व्लॉग में अपन इंस्टॉल करने वाले एक्सेसरीज जो मैंने मंगाए थे अमेजोन से। पिछले वाले व्लॉग में मैंने बताए थे कि कौन से एक्सेसरीज लाए मैंने, बट इस वाले व्लॉग में इंस्टॉल करूंगा और कोटिंग भी होगी, सिरेमिक कोटिंग। इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने डाला है पुणे में गया था वागोली में दोस्त के पास, वहां पे सिरेमिक कोटिंग हो गई है। तो आई वॉज वेटिंग जब कोटिंग हो जाएगी तभी मैं एक्सेसरीज इंस्टॉल करने वाला था। पहले जो एक्सेसरी है ना वो है ये फोम वॉश गन। तो एक्चुअली ये मैंने खरीदी थी पुणे से, मैं जब पुणे गया था तब मिस्टर DIY में, बट इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद जो वॉशर फ्लूइड आता है कार शैम्पू, वो ये कंपनी का मैंने खरीदा है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये है हमारी कैट। तो इसके बाद जो एक्सेसरीज मैंने इंस्टॉल नहीं किया वो है ये बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर, फिंगर गार्ड प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ये कैसा इंस्टॉल करते वो भी बताऊंगा मैं आपको, ये आई पॉप का डोर गार्ड, ये पेट्रोल का लोगो। तो इंस्टॉल करते हैं ये सब चीज, पहले वॉश करते हैं इसके साथ और मैं बताऊंगा कि ये कैसा यूज कर सकते हैं और इसका भी रिव्यू मैं दे दूंगा। तो इसमें डाल दिया हम लोगों ने 2 लीटर पानी और उसमें ये जो कार वॉश शैम्पू है वो डाल दिया है 10 ml। तो अभी देखते हैं स्प्रे करके कैसा फोम प्रोड्यूस करता है। रहा नहीं जाता, इसको आपको सबसे पहले प्रेस करना पड़ता है, इसमें प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता है। तो अभी प्रेस नहीं कर पा रहे इसको बराबर, तो इसमें पूरा प्रेशर बिल्डअप हो गया है। यहाँ पे इसका ट्रिगर है, शैम्पू का जो स्मेल है ना वो बहुत ही अच्छा है। पहले मुझे लगा ये ओडरलेस शैम्पू है, मतलब उसमें स्मेल नहीं है, ओडर नहीं, फ्रेग्रेंसलेस। आप इसका थ्रो भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, अगर आप इसको ऐसा करोगे कम थ्रो करेगा ये, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ज़्यादा थ्रो करेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से फोमिंग हो गई ना कार की, तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे फोमिंग कर दी इसने, यहाँ पे मारना भाई, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे भाई क्या करता है भाई, पगार दे टाइम पे फल। बात तो सही है, ग्रिल के साइड में और जो बोनेट का साइड है ना वहाँ पे मैं यूजुअली कम पानी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट डालता हूँ कार वॉश का। और यहाँ पे बाजू में हमारे काम चल रहा है और हमारे कान के लग गए, तो थोड़ा ही पानी लिया है, आप जैसा देख सकते हो एक आधा लीटर भी पानी नहीं है और उसमें इतना मतलब अराउंड 10 ml हमने कॉन्सेंट्रेट डाल दिया। एक बार फोमिंग होने के बाद क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल ले लो, अपना क्लीन पानी ले लो, थोड़ा उसमें आपको भिगाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भिगा के कुछ इस तरीके से आपको क्लीन करना है। सबसे पहले शुरुआत में यूजुअली मैं ऊपर से ऐसे नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे अपने को स्क्रैच गार्ड लगाना है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाऊं पेट्रोल का लोगो इसके ऊपर ही, या फिर इसके अंदर, ये खोल के इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे तो पेट्रोल का जो अपने पास बैज है, तो यहाँ पे जो है ना वो स्क्रैच गार्ड लगाया था, स्क्रैच सील गार्ड। तो ये बहुत ही सही है, जैसा आप देख सकते हो ये जो प्लास्टिक है ना उसके ऊपर धूल नहीं बैठी है, इसके ऊपर ही बैठी है। सो आई टोटली रिकमेंड इट, मैं इसको लगा के ही पुणे गया था रिसेंटली। भी हम इंस्टॉल करने जा रहे ये वाला जो सील गार्ड होता है ना, एक्चुअली यहाँ से लेके आप यहाँ तक लगा सकते हो। उससे क्या होता है जब आप इनग्रेस आउटग्रेस करते हो, मतलब अंदर बाहर जाते हो ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना जैसे डस्ट है या फिर स्क्रैचेस आते हैं, ये प्लास्टिक पोर्शन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो ये लगाने के बाद वो नहीं आते। तो इसको इंस्टॉल करेंगे अभी। इसके अंदर ऐसा एक रोल आता है, इसकी 5 cm × 500 cm, मतलब 5 मीटर का है। ये रोल जो है ये इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है पूरा मतलब डस्ट वगैरह जो पार्टिकल्स है ना वो एक बार आप क्लीन कर लो। इसके बाद ये जो इसका स्टिकिंग है नीचे का वो स्टिकिंग निकाल दो कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे थोड़ा एडिशनल हो गया है तो इसको कट कर देंगे। यहाँ पे चारों साइड पे, चारों डोर पे कर देंगे ऐसे ही इंस्टॉल। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो यही सेम मटेरियल, दो लगेगा, मतलब इसका थिकनेस ज़्यादा है ना, सो यहाँ पे एक लगेगा और यहाँ पे एक लगेगा।
सो ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ होता है, जैसा आप देख सकते हो छोटा प्लास पन्नी दिया हुआ होता है इस पर कंपनी ने, तो वो निकाल के अभी ये वाला यहाँ पे इंस्टॉल कर दो। तो अभी इसको इंस्टॉल करेंगे फिंगर गार्ड। ये ट्रांसपेरेंट है और चार है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, इस तरीके से नहीं, तो ये मतलब ये बैटमैन का सिंबल हो जाता है ना, तो ये बैटमैन, दो बैटमैन ऐसे अलग अलग, एक इधर एक इधर होना चाहिए। तो इसको निकालते हैं। तो आपको बहुत अलग अलग टाइप के गार्ड भी मिल जाएंगे, लोकल शॉप में भी मिल जाएंगे। ये तरीके का जो गार्ड था ना, तो वो लोकल शॉप में तकरीबन 500-600 रुपए को बोल रहे थे, ये 300 रुपए में ले लिया मैंने ऑनलाइन अमेजोन से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और एक टाइप के गार्ड होते हैं, वो वाले क्रोम वाले होते हैं, तो यहाँ पे नीचे क्रोम आ जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। ब्लैक, अगर आपके पास ब्लैक कलर शेड की कार है तो बहुत सही दिख, और उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये पेट्रोल का जो लोगो है ना, इसको लगाने के लिए इधर यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि अनिरुद्ध ने सजेस्ट किया है, या फिर और एक चीज़ कर सकते हैं, इधर यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर ये नीचे के साइड में लगा सकते हैं, बट आई थिंक विल गो विद दिस। क्या बोलता है भाई? ओके, विल गो विद दिस, राइट। वैसे तो अभी क्लीन किया था, फिर एक बार इसको क्लीन करेंगे। तो इसके पीछे 3M का टेप दिया है इन लोगों ने, बहुत अच्छी तरीके से निकला है, तो ये लोगो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। 3 बार गिरा है हमारे, मेरे हाथ से अनिरुद्ध के ने। इसको को इंस्टॉल करना है, ये आईपॉप के जो डोर गार्ड है वो, इसका जो ग्लू है बहुत ही गंदा है, इसके वजह से ये तो लगाना अभी स्किप कर रहे हैं हम, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बिल्कुल मत बाय करना, बिल्कुल ही टट्टी है, इसका ग्लू कुछ काम का नहीं है, और इन्होंने ये 3M तो लिखा है, पर साला ये 3M का टेप नहीं है, क्योंकि इतने ईजीली वो निकलता नहीं है, मतलब देख सकते हैं आप, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मत बाय करना, और टट्टी प्रोडक्ट है, बहुत टट्टी प्रोडक्ट है। वाले जो लोगो होते हैं डॉक्टर के और एडवोकेट के, उसके अगर वो मुझे अमेजोन पे मिल जाएंगे ना, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वो ये मोटोमैक्स का डैशबोर्ड पॉलिश, जब पुणे से आया था ना उसी बार टेस्ट करने के लिए लगाया था, बहुत ही अच्छा है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो अपना विंडशील्ड वॉशर कॉन्सेंट्रेट आता है, वो भी ये कंपनी का लिया था मैंने, ऑटो हब का, ये कार लेने के बाद ही लिया था मैंने, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्लीन करता है बहुत अच्छी तरीके से विंडशील्ड को। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ये की जो है अपनी कार की, उसका प्रोटेक्टर स्लीव या प्रोटेक्टर कवर बोल सकते हो, ये स्मोकी ब्लैक कलर का है, आप ट्रांसपेरेंट कलर का भी ले सकते हो, तो ये चीज़ मस्ट हैव है, क्योंकि ये जो की है ये बहुत महंगी आती है, सो ये अगर आपके हाथ से गिर गई नीचे, टूट गई, तो इसका अलग से खर्चा देना पड़ेगा, इसलिए ये स्लीव कवर ले लो, टोटली रिकमेंड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी है आज के ज़माने में, वो है डैश कैमरा, क्योंकि भाई आपके ऊपर कोई केस कर देगा कि रैश ड्राइविंग करते हो, फेक चलान कोई कर देगा पुलिस वाला, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा आपको जो चीज़ बचा सकती है वो है डैश कैमरा। सो ये मस्ट हैव एक्सेसरी है। और ये जो क्यूबो का डैश कैमरा है, इसका मैंने रिव्यू भी किया है अपने मेन चैनल पे, वहां पे जाके रिव्यू देख लीजिए, इन डेप्थ रिव्यू किया है फुटेज के साथ, और जितने भी मैंने अभी एक्सेसरीज बताए ये वीडियो में, वो सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से बाय कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे मेन चैनल को जो कि गिकी डेंटिस्ट, और मेरे ये वाला ब्लॉग चैनल जो है उसको, कमेंट कीजिए आपको कौन सी एक्सेसरीज और अच्छी लगती है, या फिर इसमें ही कौन से एक्सेसरीज में आपको डाउट है, तो वो बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।